देखिए बच्चों, ये आपके सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। बी ऑप्शन चलिए चेक करते हैं। किसी धनराशि पर इतना, तो आपका SI इक्वल्स टू क्या होता है? ये होता है प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन आपका 100। तो SI आपका 78 रुपए है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। ये आपको दी गई 3 × 6 × 8/3 और टाइम आपको दिया गया है बेटा 4 × 8 = 9/4। 4 × 8 हो गया आपका ये, ठीक है, और 3 × 9 हो गया। अब 3 × 6 से अगर हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा, और अपॉन में 100 तो होता ही है आपका, जो मैंने लिखना भूल गया। तो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 1300 रुपए आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सारे लोग क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग मिस्टर अर्जुन, क्या बीस मिनट हाँ जी सूरज, देखो एक जल में हौदी को एक नल से 30 मिनट भरा जा सकता है और एक अन्य नल उसे 60 मिनट में भर सकता है, ठीक है। अब देखो एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, 1 और 2। अब क्या कह रहे हैं, एक अन्य नल, ठीक है, ये दोनों नल 5 मिनट तक खुले रखे जाते हैं, यानी कि दोनों नल ए और बी 5 मिनट तक खुले, यानी कि 2, 1, 3 की स्पीड से 5 मिनट तक खुले रखे गए, तो 15 मिनट, तो 15 काम उनका हो गया। 60 में से 15 काम हो गया, कितना बचा बेटा, 45 काम बचा। और फिर पहले नल को बंद कर दिया गया, दूसरा नल 1 की स्पीड से काम करेगा, कितनी देर में कर देगा, 45 मिनट में बेटा वो काम कर देगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 20 मिनट तो गलत है जो कह रहे थे शिवम मिश्रा जी, 20 मिनट तो आपका आंसर गलत है। हाँ जी सूरज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज।
जल्दी से बताइए बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट फास्ट। तीस मिनट, चलिए चेक करते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी किसी काम को 15 दिनों में, और सी प्लस ए किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। एलसीएम ले लिया, 60 हो गया, 20 तीन, 15 चार, 12 पांच। तो बेटा अगर मैं सबको ऐड करता हूं तो रिजल्ट आएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 चार 9 3 12। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 6 आएगा। ए का पूछा गया है तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी गायब कर दें, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। बी प्लस सी की एफिशिएंसी बेटा कितनी है, 4 है, तो ए प्लस 4 बराबर 6, तो ए की एफिशिएंसी आ गई आपकी 2। तो 60 बटे 2 यानी कि 30 दिन में ए अकेला उस काम को कंप्लीट कर सकता है। 30 डेज इज द राइट आंसर। ठीक है, बताइए बेटा बात क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। अगले क्वेश्चन का बेटा आंसर बताना क्या होगा। हेलो शिव सागर जी, कैसे हैं? जल्दी से इसका आंसर बताइए, इजी क्वेश्चन है। मंदीप जी ने कहा है बी। मंदीप जी आपने पिछले क्वेश्चन का भी आंसर बी कहा था। चलिए देखते हैं, अगर बेटा मैं इस पर बात करूं तो आपका क्या 1/1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, इनटू आपका 0.25 अपॉन आपका पॉइंट हटाएंगे 100, तो ये हो गया आपका 4। हाँ या ना, या फिर आप इसे ऐसे ही छोड़ दो, 0.25 कर दो, तो 0.25 का बेटा आपका कितना आएगा, 0.25 का आपका 0.5 बाहर आएगा, और यहां से तीन जीरो बाहर आएंगे, तो बेटा रिजल्ट क्या होगा, 0.000 और 5 आपका, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मंदीप, वेरी गुड, आंसर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, आपको मिलता है एक गिफ्ट वाउचर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। ठीक है,
जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। एक पर्यटक प्रतिदिन उतने रुपए खर्च करता है, तो मानते हैं कि वो एक्स रुपए खर्च करता है, कितने दिनों के लिए, एक्स दिनों के लिए, तो उसका खर्च 361 है। तो बेटा ये एक्स स्क्वायर बराबर 361 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी, विच इज ऑप्शन नंबर आपका क्या बी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। चेक करो एक बार। फिर से ट्राई करो। ट्राई करिए और आंसर बताइए। देखिए, जब आपसे पूछा जाए ज्यादा से ज्यादा ढेरियां बनाई जाएं या फिर ज्यादा से ज्यादा कैंडल निकाले जाएं, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको एचसीएफ लेना होता है। तो 84, 90 और 120, ठीक है। अब ऐसा कौन सा डिजिट है जिससे ये तीनों आपके कट जा रहे हैं? देखो, 21 से 84 तो कट जाएगा, 90 नहीं कटेगा। 18 से आपका 18 से 84 नहीं कटेगा, 90 कट जाएगा। 12 से आपका 120 कट जाएगा, 84 कट जाएगा, बट 90 नहीं कटेगा। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 6 इज द राइट आंसर, ठीक है। 6 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जल्दी से बताइए।
कमेंट फास्ट। देखिए 10% छूट पर, 10% की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/10 होती है। 10 पर 1 का डिस्काउंट 9 और 9 की वैल्यू 2700 है, तो 1 की वैल्यू बेटा 300। क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य यानी कि 10 की वैल्यू पूछी गई है, तो 10 की वैल्यू बेटा आपकी क्या हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग जुड़े हुए हैं सेशन को, अगर उन्होंने लाइक नहीं किया है सेशन को, लाइक कर दो सेशन को, ज्यादा से ज्यादा दोस्त क्या करो, शेयर करो यार, ऐसे मजा नहीं आएगी। जितने लोग बेटा हो कम से कम ईमानदारी से उतने लोग सेशन को लाइक कर दो, ठीक है ना, इतनी तो रिक्वेस्ट मान सकते हो। और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चा लोग आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। जल्दी से बेटा ट्राई करो, इसका आंसर क्या होगा। देखिए हमारा जब ऐसे ए बी और सी के फॉर्म में हो तब हमेशा होता है ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी, यानी कि 18/x बराबर x/50। तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका 900 हो गया बेटा, x बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका बेटे यहां पर सही है। बताइए बात क्लियर है सभी को, अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर और शेयर करो सेशन को सभी लोग। जल्दी से बताइए बेटा क्या हो जाएगा आंसर।
देखिए आपसे कहा गया 2:1 और 3:2 के अनुपात में, 2:1 और 3:2 के अनुपात में अल्कोहल और जल से भरे दो समान ग्लास हैं। तो बेटा ये आपका 3 है और ये आपका देखो 5। अब क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दे दिया गया कि ये समान ग्लास हैं, तो बेटा इनको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 5 किया और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 3 किया, तो 5 2 10 हो गया, 5 1 5 और 3 3 9 और 3 2 6 हो गया आपका। अब इनको क्या किया गया, एक में मिला दिया गया, तो 10 9 19 हो जाएगा बेटा ये, और 5 6 11 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ गया आपका, 19:11 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज, जल्दी से बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से आंसर बताइए, द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 इज बिटवीन 6 एंड 50। जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर बताओ बच्चों, आंसर आप लोगों के नहीं आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए देखते हैं, 6 और 50 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत क्या है 50 से। तो बेटा 6 और 50 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत, तो बेटा 6 के बाद आपकी 10 आएगी, है ना, 10 के बाद 15 डॉट डॉट डॉट, फिर आपकी 50 होगी। तो औसत क्या होता है, पहला प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, यानी कि 10 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, तो बेटा कितना आ गया 60/2,
बराबर 30 आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन का आंसर बताना बच्चों, अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताइए क्या होगा, ठीक है।